डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनी मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाले पैनल ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की है। मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने कार्ड से भुगतान पर सर्विस चार्ज या फिर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR को खत्म करने की सिफारिश की है। अभी डेबिट कार्ड पर 0.25 से 1% की दर से सर्विस चार्ज लगता है, जबकि क्रेडिट कार्ड पर ये 1 से 2.5% के बीच है। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बड़े लेन देन में नकद की सीमा तय करने की सिफारिश भी की है। हालांकि इस सिफारिश से आपकी जेब को झटका लग सकता है। कमेटी ने कहा है कि 50,000 या उससे ज्यादा बैंक से निकालने पर टैक्स लगे, पहले 20,000 या ज्यादा निकालने पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था, जिसे बाद में हटा लिया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने बैठक में कहा कि पहले राजस्व जुटाने के मकसद से ये बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था, अब मकसद डिजिटल और कैश लेन देन के फर्क को खत्म करना है। इसके अलावा जो सिफारिशें की गई है वो भी आपको बताते हैं। छोटे कारोबारियों और आयकर के दायरे से बाहर लोगों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1,000 रुपए की सब्सिडी मिले, छोटे कार्ड ट्रांजेक्शन पर कारोबारियों से बैंक चार्ज ना ले, पैनल ने माइक्रो ATM और बायोमेट्रिक सेंसर्स के लिए भी टैक्स इंसेंटिव की सिफारिश की है। डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को एक निश्चित सीमा तक वार्षिक आय में टैक्स से राहत दी जाए। इसके अलावा देश में 1,54,000 पोस्ट ऑफिस को डिजिटल पेमेंट के लायक बनाना, देश के ग्रामीण और कोऑपरेटिव बैंकों को डिजिटल पेमेंट के लायक बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बनी कमेटी ने कई सिफारिशें सुझाई हैं। इन सिफारिशों में थोड़ी राहत है तो थोड़ी आफत भी। अब देखना होगा कि इन सिफारिशों को इस बार बजट में जगह मिलती है या नहीं। देखते रहिए DB Live।